जामताड़ा में स्वतंत्रता दिवस को लेकर आज से स्थानीय गांधी मैदान में परेड का पूर्वाभ्यास प्रारंभ हो गया है। इस दौरान कुल 7 प्लाटून ने अभ्यास शुरू किया, जिसे सर्जेंट मेजर तथा हवलदार के द्वारा परेड में चल रहे झंडे की सलामी के बारे में तकनीकी जानकारी दी। कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए इस बार कार्यक्रम किया गया और मात्र 7 लोगों को शामिल किया गया है, जिसमें IRB, जिला बल, DN अकेडमी, संत एंथोनी तथा DAV पब्लिक स्कूल शामिल है। कोविड को लेकर 10 साल से कम उम्र के बच्चे तथा 60 साल से ज्यादा उम्र के वृद्ध को कार्यक्रम स्थल पर आने से रोक लगाई गई। जामताड़ा से गौतम मंडल की रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस समारोह 2021 जामताड़ा का जो पहला रिहर्सल परेड है आज से शुरू है। 8 बजे से हम लोग शुरुआत किए हैं, 7:45 बजे तक सबको रिपोर्टिंग करना था और सभी लोग आए हैं। हमारा यहाँ पर IRB झिलवा जेंट्स, जामताड़ा जिला पुलिस बल के 2 प्लाटून हमारे हैं, महिला IRB जामताड़ा के 1 प्लाटून है, NCC कैडेट DAV और बैंड पार्टी के रूप में DN अकेडमी है और बालिका वर्ग के लिए सेंट एंथोनी स्कूल जामताड़ा शिरकत कर रहे हैं। इस तरह से हम लोग का 6 जो है 7 सब मिला जुला के 7 जो है हम लोग का प्लाटून यहाँ पर भाग ले रहे हैं आज के इस रिहर्सल परेड के क्रम में। और हम लोग 10, 11, 12 और 13 को जो है फुल रिहर्सल होगा, एकदम फुल, जिस तरह से आपका मुख्य अतिथि का आगमन होगा और समीक्षा क्रम में जो सारा कार्यक्रम है। और जैसा कि सबको विदित है कि मार्च पास्टिंग नहीं होता इसमें। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMG बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMG बार्स, रिश्ता मजबूती का।